स्टार्टिंग, लेकिन हमारा जो शिकायत था वो फिर भी रही है कि हमें जो दो गवार आ जाए, हमें नहीं पता था कि कौन से दो गवार कार्ड होने हैं। तो वी आर टेकन इन टू सरप्राइज कि साहब, एक तो उनमें नायब तहसीलदार जी थे, उसका नाम है मिस्टर कमल सिंह, एक पुलिस के हैं, उनके भी गवाह चल रहा है, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया तहसीलदार साहब के पास। तो ये हमें दोनों गवाह का मालूम नहीं था कि भाई साहब ये आने, अगर ये बता दिया होता, सरप्राइज नहीं होता तो कोर्ट का भी टाइम बचता और हम भी एफिशेंटली उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो गया, लेकिन सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो है भाई, ये विटनेस जो है कौन सी आनी है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि भाई साहब ये हमारे साथ और डिफेंस के साथ कोई अनफेयरनेस है ऑन द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो कल वो हमारी दरख्वास्त की सुनवाई रखी है जज साहब ने, जो हमने कहा है कि भाई आप सप्रेस मत करिए हमसे, आप हमको बताइए। ये बड़ी फेयर बात होती है कि पूरी कंट्री में ये हमको बताया जाता है, जिसको जो भी डिफेंस काउंसिल होता है कि सुबह ये गवाह आएगा या परसों ये गवाह आएगा, 15 मिनट का गवाह आएगा, इसमें कहीं कोई हॉस्टाइल होता है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होती है कि साहब ये बताना ही नहीं है किसी को। ये तो प्रोसिक्यूशन को देखना है, लेकिन डिफेंस ने तो अपना काम करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो नहीं बताया जा रहा है ये, लेकिन वो जो एक अजीबो गरीब बात मुझे लग रही, पता नहीं ये कैसे इसी केस में है या किसी और केस में भी इन्होंने की है, क्राइम वालों ने कि नहीं की है, क्राइम वालों के जो भी नायब सरदार आ रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन में तो ये है ही नहीं। देवस्थान जो आ जाए ये इनकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। और जो हमने बड़ी ताजुब हुआ कि डिफेंस वालों को तो साहब ये इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन पड़ती है कठुआ की, और उसकी ये सालन का है, SALN, सालन, तो ये सालन का नायब सरदार उठता है, कोई दरख्वास्त नहीं आती इसके बाद, तो कैसे नहीं होता है, ये चल पड़ते हैं जिधर दिल करता है, क्राइम वाले जीप में बैठाते हैं और ले चलते हैं, कोई मोटरसाइकिल पर बैठता है चल पड़ता है देवस्थान अस्थाना में, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसे ही हवा में हो रही है। तो ये हमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट पर लगता है कि साहब ये ऐसे नायब सरदार क्यों रखे हैं सारे ही, कि भाई साहब क्या इसकी वजह क्या है, कि भाई साहब उसको क्यों नहीं लाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये रिसाना पड़ता है, मतलब ये क्यों इन्होंने ऐसा इन्वेस्टिगेशन में कहा है। तो बड़ी ताजुब जैसी बात लग रही है, क्योंकि जितने भी मैं नायब सरदार देख रहा हूँ हमें तो नहीं पता था कि इसकी जुरिस्डिक्शन, आज मुझे पता चला कि इसकी जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है। तो ये भी बड़ा ताजुब लगा कि भाई डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं कठुआ के रोहित जी, तो उनको भी मालूम नहीं है कि साहब मेरा कौन सा नायब सरदार कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या इसकी वो जब्ती बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। और कम से कम चले गए आप लोग, कम से कम उसके बाद तो डिप्टी कमिश्नर को कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो ये डिफेंस की बात है, प्रोसिक्यूशन तो अपनी जगह बड़ी स्ट्रांग है, प्रोसिक्यूशन बड़े बड़े लायर किए उन्होंने, वो अपनी जगह है, उनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि ऐसा इस केस में मुझे महसूस हो रहा है एज ए डिफेंस काउंसिल कि साहब ये ऐसा क्यों किया क्राइम ब्रांच वालों ने, कि इनको कोई बंदा नहीं मिला जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन का है और उसी को ले, उसी से करवाएं और प्रॉपर डिप्टी कमिश्नर को कॉन्फिडेंस मिले, जो भी है डिप्टी कमिश्नर जम्मू है तो उसको कॉन्फिडेंस दे दीजिए, सांबा का उसको कॉन्फिडेंस दे दीजिए, लेकिन ये सारा ही बाईपास करके इसी से कोई परमिशन नहीं लेनी, लीगल काम नहीं करना है, सारा इलीगल काम करना है। तो ये पता नहीं आखिर में क्या जस्टिफाई होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि साहब ये कोई अनफेयर बात है इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट। तो बाकी तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट अपना काम कर रही है, बहुत लंबे चौड़े बयान हो रहे हैं, बहुत जिरा हो रही है, लंबी चौड़ी जिरा हो रही है, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता ना, मेरी आप समझ सकते हैं मजबूरी कि मैं कोई बात आपसे शेयर नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जुरिस्डिक्शन के बिना ही लोग आ जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को उठाए ले गए जहाँ दिल किया जीप में बताया, आइए नायब सरदार साहब चलिए, ये कोई हनीमून थोड़ी किसी के साथ के भाई साहब आओ ये जहाँ करते हैं तो चलते हैं हांगकांग में, इंगेजमेंट जम्मू में हुई है चलते हैं हांगकांग में, हमारा जाइए हनीमून आते हैं, नायब सरदार को प्राइवेट से थोड़ी है कोई इसके साथ प्राइवेट, लेकिन ऑफिशियल ड्यूटी ही हैज़ टू परफॉर्म प्रॉपरली, ये हमारा इल्ज़ाम है उस पर। बाकी देखते हैं आखिर में जैसा इसको कैसे लेते हैं, प्रोसीडिंग कैसे लेती है। दूसरा हमारा है कि हमारी बार बार यही दरख्वास्त है कि आप सप्रेस मत करिए हमसे एविडेंस को, क्योंकि 221 बयान है। मैंने कोर्ट को आज भी बताया कि आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं कितना भी बड़ा वकील क्यों नहीं बन जाऊँ, फिर भी 221 गवाहों को कंप्यूटर की तरह, अभी कंप्यूटर भी शायद फेल हो जाएगा उसमें, कि आपने एक बहुत जिम्मेदारी है, ये केस को इतना आसान केस नहीं है कि साहब अगर मेरी गफलत से होगा तो मैं अपनी ज़मीर को जवाब नहीं दे पाऊंगा कि साहब मैंने गफलत क्यों की, मैंने जज साहब की ये बात नोटिस में बार बार क्यों नहीं लाई, अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है सो मैं बार बार जज साहब के नोटिस में ला रहा हूँ, मुझे परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है कि साहब कोई भी डिफेंस काउंसिल इवन की चाहे प्रोसिक्यूशन करने आए बसरा साहब, बहुत लीडिंग वकील हैं, बहुत अच्छे काबिल वकील हैं, मैंने उनसे भी आज दरख्वास्त की कि सर आप इतने काबिल वकील हैं, आप क्या आप मेरी जगह होते तो ये क्या आप कर सकते हैं कि भाई डिफेंस आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं।
फिर आप हमारे साथ थोड़ा सा जेन्युइन रहिए, रीजनेबल रहिए और जो कायदे के मुताबिक है वो बात करिए। तो अब देखते हैं कल वो कैसे इस बात को लेते हैं और क्या हमारे लिए कोई सुविधा बनाते भी हैं कि नहीं बनाते। लेकिन अगर नहीं बनाई तो मैं ये समझता हूँ मुलजम कोई भी आगे कोर्ट में जाने के काबिल नहीं है, इतना फाइनेंशियली ये साउंड नहीं है। तो फिर हम सब डिफेंस काउंसिल वालों को बैठ के कोई सलाह करनी पड़ेगी क्या रास्ता निकलता है, तो उसके मुताबिक सारा ये काम आगे होगा। मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अब सब डिफेंस काउंसिल बैठे ही नहीं, आपस में मीटिंग ऑफ माइंड भी नहीं किया। लेकिन मैं ये अपनी ज़ाती परेशानी बता रहा हूँ कि साहब 221 गवाह हैं, बहुत लंबे चौड़े गवाह हैं जिसको कम से कम भी दो दो तीन तीन चार चार दिन लग रहे हैं एक बयान को कराने में। तो मैंने आज जज साहब को बताया कि मुझे आप एस्ट्रोलॉजर मत ट्रीट करिए, एक सिंपल लायर हूँ, मेहनती लायर हूँ, बस मैं जम्मू से आता हूँ, दो ढाई घंटे मेरे आने में लग जाते हैं, दो ढाई घंटे जाने में, पाँच घंटे जो मैं, अगर मेरे को फिटनेस पता होगी मैं गाड़ी में भी पढ़ लूँगा अगर मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो। सो मुझे आप जस्टिफाई करने दीजिए डिफेंस का केस। सो ये मेरी अपनी ज़ाती डिफ़िकल्टी है। तो आप देखते हैं कि भाई साहब डिफेंस की डिफ़िकल्टी कहाँ तक कोर्ट रियलाइज़ करती है, कहाँ तक प्रोसिक्यूशन वाले कोऑपरेट करते हैं, ये कल पता लगेगा।